हेलो गाइस, तो मैं बोल रहा हूँ अनुराग सिंह और आप देख रहे हैं मेरे चैनल क्राइम टेक। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे इंडिया में ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम क्यों बैन होने वाला है, क्या रीज़न था। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, नहीं तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये सब मतलब जो रेप वेप होता है या फिर किसी की मतलब फ़ोटो जैसे बेकार वाली फ़ोटो, तो जब भी ये फेसबुक में अपलोड होती है तो लोग इसे जल्दी से जल्दी शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि वायलेंट वायलेंट पोस्ट भी बहुत ज़्यादा शेयर करने लगते हैं कि मतलब जो भी कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, बस वो पीछे की बात नहीं जानते कि कुछ ऐसा नहीं हुआ था, ये सब फेक है, बस फैलाना चालू कर देते हैं ये लोग, शेयर करना चालू कर देते हैं इन तीनों प्लेटफॉर्म के ज़रिए। जैसे कि क्या बोलते हैं, फेसबुक में भी जब कोई पोस्ट डलती है तो उसे भी शेयर करने लगते हैं, अगर लोगों को वो मतलब ज़्यादा वॉयलेटेड कमेंट लगती है, मतलब पोस्ट लगती है, तो भाई लोग अगर इसे शेयर करेंगे तो हमारे देश में वॉयलेंट फैलेगा। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि हमें फेसबुक के ओनर से बात करनी चाहिए और ये बोलना चाहिए कि वहाँ का मतलब जो फेसबुक का डाटा है वो भी इंडिया का, वो इंडिया वालों के साथ भी शेयर करें, वो मतलब जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके साथ भी शेयर करें, क्योंकि इससे ज़्यादा वॉयलेंट कमेंट नहीं फैलेगी, वॉयलेंट पोस्ट भी नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए हमारे देश में वॉयलेंट नहीं होगा। हालांकि मोदी जी ने भी बेकार नहीं कहा था, देश के हित के लिए ही कहा था कि हमारा डाटा अगर हमारे पास रहेगा तो ये जो वॉयलेंट कमेंट ये लोग पोस्ट करेंगे तो हम उसे डिलीट कर देंगे बहुत जल्दी, तीनों प्लेटफॉर्म में अगर वॉयलेंट कुछ भी हुआ या फिर किसी का रेप वेप की फ़ोटो, MMS ये सब डिलीट कर देंगे। पर फेसबुक पता नहीं अब दो दिन तीन दिन का टाइम मांग रही है, देती है कि नहीं, अगर उसने नहीं दिया तो बैन हो जाएगा। अगर उन्होंने मतलब डाटा बोला कि हम शेयर करेंगे इंडिया गवर्नमेंट के साथ, तो फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम नहीं बैन होगा, ये अच्छी बात है। और बुरी बात तो आप जान ही रहे हो, अगर नहीं किया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम लोग नहीं शेयर करेंगे डाटा, तो फिर मोदी जी भी फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम को टाटा कर देंगे ज़िंदगी भर के लिए इंडिया से। तो भाई लोग आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरी वीडियो जैसे भी अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय।